राजस्थान की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 12 अप्रैल को शुरू होगी। हालांकि अभी भी ट्रेन की कमर्शियल रन का फाइनल शेड्यूल जारी नहीं किया गया, शाम तक इसका शेड्यूल जारी होगा। उद्घाटन वाले दिन ट्रेन को अजमेर की जगह जयपुर से नई दिल्ली के बीच चलाया जाएगा। 12 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे जयपुर से ट्रेन चलेगी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ये देश में 14वीं वंदे भारत ट्रेन होगी जो संचालित होगी। सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन के दिन ही ये ट्रेन जयपुर से चलेगी, जबकि सामान्य दिनों में ट्रेन का संचालन अजमेर दिल्ली के बीच होगा। फाइनल शेड्यूल आना अभी बाकी है, जिसमें ट्रेन की टाइमिंग सप्ताह में दिन, स्टॉपेज और किराया निर्धारित होगा। इस ट्रेन की खासियत यह है कि ये पूरी तरह 100% स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है। वातानुकूलित इस गाड़ी में ऑटोमेटिक दरवाजे, GPS सिस्टम और वाईफाई आदि जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। इस ट्रेन का 3 दिन ट्रायल किया गया, तब इस ट्रेन को अजमेर से नई दिल्ली के बीच करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया गया। ट्रायल रन के दौरान ही ट्रेन में स्टाफ की तैनाती को लेकर अजमेर और जयपुर मंडल के कर्मचारियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। दोनों ही मंडल के कर्मचारी संगठन अपने अपने यहां से कर्मचारियों को टिकट चेकिंग समेत अन्य कार्यों के लिए स्टाफ की तैनाती चाहते थे।